हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लावी की दुनिया में। तो वही कर लिया। हेलो गाइस कर दो, करो हेलो गाइस कर दो। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाबी की दुनिया में। तो गाइस कैसे हो आप लोग? हेलो गाइस कर दो। हेलो गाइस, तो गाइस आज है विजयदशमी। विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली आज दशहरा था, है मतलब, और दशहरा बन चुका है। और आज के दिन वैसे हर साल जो है विसर्जन होता है, मतलब दुर्गा माँ का। जैसे कि आपको पता है हर साल जाते हैं दुर्गा पूजा में, आपने पहले वाला व्लॉग देख लिया होगा। तो इस बार दुर्गा पूजा में विसर्जन नहीं हो पाया क्योंकि आज पड़ गया था शनिवार। शनिवार को विसर्जन नहीं होता, तो विसर्जन होगा कल। तो हम चलते हैं वहाँ पे, थोड़ा बहुत प्रोग्राम है, जैसा ही प्रोग्राम होगा तो चलते हैं। अभी हम सब रेडी हो गए यहाँ पे, देखो सब रेडी हो रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। चलो गाइस वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ पे कैसा प्रोग्राम हो रहा है। अब मिलेंगे हम आपको वहीं जाके। इतने सभी रेडी हो जाते हैं, हो गए हैं, बस थोड़ा सा ही रह गया इनका मेकअप वगैरह का। थोड़ा ज्वेलरी वगैरह देख रहे हैं ये, और लाभी भी यहाँ पे रेडी हो गई है, और लाभी परेशान हो रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो कर रही है। तो गाइस वहीं जाके मिलते हैं हम आपको सीधा। गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर, तो लेट हो गए हम, भाई भी इधर आ गए, तो बस आए हैं यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसे तैयारी। Oh,
तो गाइज वहाँ पे हम थोड़ी बहुत ही बना पाए क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था और म्यूजिक में फिर हम कितना काटते पूरी वीडियो कट जाती है उसमें कॉपीराइट का इशू आता है। अब हम आ गए एच ब्लॉक की दुर्गा पूजा में। देखिए यहाँ की माता की बड़ी खूबसूरत बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको और ये इनका फोटो सेशन हो रहा है और यहाँ पर मेरी सजा दी है। जय माता की कर दो, जय माता की। देखो गाइज सजा दी जय माता की। हेलो गाइज कर दो, हेलो गाइज आप करते हो ना। हेलो गाइज, हेलो गाय। काली माता कैसे होती, काली माता कैसे आई थी वहाँ पर। ओ काली माता आई थी ना वहाँ पर। आज शादी को क्या काली माता से ही मिलाया। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद जो है मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और सीमा के फ़ोन में स्पेस नहीं था क्योंकि उसका आईफोन है, उसका बार बार भर जाता है, क्या करें। तो कुछ बात थी दिल में, वो करते हैं आगे। तो ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म है और आगे की बात करते हैं शुरू यहाँ से। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, बहुत मज़ा आया होगा, हमें भी आया। बट कुछ चीज़ें हैं जो वीडियो में मुझे पसंद नहीं आई, जैसा कि आप काली माता का रूप देखिए, काली माता का मुंह मतलब एक तरह से मुझे लगा कि बंदर जैसा है और दांत निकाले हुए हैं, बहुत ही मुझे अजीब लगा। हमारी काली माता ऐसी नहीं है यार, हमारे सनातनी धर्म को होता क्या जा रहा है। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूं, तो मैं इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं अपने ब्लॉग के जरिए, क्योंकि शूट मैंने किया है और कहाँ तक वीडियो जाएगी मुझे नहीं पता, बट बहुत लोगों तक जाएगी, लोग देखेंगे, देखते हैं और मजाक बनाते हैं। एक्चुअली हमने अपने भगवान को ना, अपने जिसको हम पूछते हैं उनको, एक एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया है। उनको जागरण वगैरह में नचाते हैं और इन्जॉय करते हैं, और ऐसा ही इस पूजा में भी होता है। अगर हम लोग, मैं भी उस पूजा का एक पार्ट हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जब हम लोग झांकी वगैरह नहीं करते तो वहाँ पे पब्लिक नहीं होती,
जैसी झांकी, मतलब झांकी बोलते हैं इसको, जो भी है झांकी तो नहीं बोलनी चाहिए, झांकी अलग चीज़ होती है, बट नाम इसको झांकी कह दिया गया है। वैसे मेरे हिसाब से जो भी होता है ये नहीं करना चाहिए, भगवान का रूप लेके एक इंसान ही है वो, और वो फिर और एक और चीज़, एक जो जो ये झांकी तो मैंने इसी बार देखी है, वो जो लेडीज़ थी क्या थी या किन्नर समाज से था जो भी था, वो काली माता उसके अंदर आ रही है, वो एक्टिंग कर रही है, मतलब इतने यार धर्म के नाम पे क्या कर रहे हो यार आप लोग, प्लीज़। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और शंकर जी भी कुछ ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए उनको बुलाया जाता है, बट यार शंकर जी के दांत, इतने बड़े बड़े दांत उन्होंने, आप देखिए मैं फोटो यहाँ पे लगाता हूँ यार, वैसे वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा, मगर यार मुझे कुछ चीज़ें ना खटकी, क्योंकि हम लोग उनकी पूजा करते हैं दिल से, और भगवान को इतनी सुंदर शब्द है भगवान, बस सब क्या करें भाई भगवानों को, मतलब आजकल ऐसा बना दिया है। और एक दो झांकी और थी वो मैं शूट नहीं कर पाया, बस मैं लोगों के फ़ोन में देखी, हनुमान जी, मतलब यार पता नहीं हो क्या जा रहा है, बट मुझे तो भाई मेरी पर्सनल फीलिंग है ये, ठीक है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ। ये पूरी वीडियो देख ही लिया तो आपने देख ही लिया होगा, हम हर साल जाते हैं, बट इस बार तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो भी हैं, ये लोग करते हैं, जागरण करते हैं, जो भी करते हैं, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कम से कम यार देखो हम लोग इन लोगों को बुला रहे हैं ना, तभी वो अपना गेटअप ऐसा करते हैं नई चीज़ दिखाने के लिए। अगर हम लोग इनको बोले भाई नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए, तो वो ऐसा गेटअप नहीं करेंगे, बट उनकी भी रोटी रोजी है। बट भगवान काली माता, या सबसे बड़ी बात है काली माता का रूप यार बंदर के मुँह के जैसा कैसे हो सकता है, और ऊपर भी दांत नीचे भी दांत इतने बड़े बड़े, यार तो मुझे बहुत अजीब लगा। काली माता हमने बचपन से देखते आए हैं, जो कि जीव निकाल के और बाल खुले होते हैं, मुंडों की माला वगैरह ठीक है, बट जो काली माता का जो रूप है वो तो एक बहुत ही शांत स्वभाव का रूप है। हाँ हम लोग जानते उस तरीके से काली माता को अगर याद करेंगे तो हाँ जीव बाहर है उनकी, ये हो या वो तो उनका रुद्र रूप है, रियलिटी बताऊँ ना वो उनका रुद्र रूप है, जब वो विकराल रूप में अपने आए थे उनको गुस्सा आ गया था तो वो वाला उनका रूप है। उनका एक जो दूसरा रूप है काली माता का, वो तो एकदम शांत है। खैर मैं इतनी डीपली नहीं जाऊंगा, मैं मानता हूं उन सब चीज़ों को और बहुत अच्छे से मानता हूं, हर भगवान का हर धर्म का आदर सम्मान करता हूं, बट ये सब हमारे ही धर्म में ये सब क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। बस शूट किया है, क्योंकि हर साल की तरह हम जाते हैं तो शूट किया, तो मेरे दिल में काफ़ी दिन से ये बात थी करने की, इसलिए व्लॉग भी एडिट नहीं कर पा रहा था, थोड़ा टाइम भी था, और मैं कहा जब करूँगा तो जब भी मैं बताऊँगा। मैं वॉइस ओवर भी कर सकता था बट वॉइस ओवर नहीं किया, क्योंकि क्या यार बस मैं क्या बोलूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, देखो मेरे अकेले से करने से कुछ नहीं होता, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद ये चीज़ें बदल जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपने भी देखा, अभी एक फिल्म आई थी आदि पुरुष करके, उसमें भी अपने राम जी को क्या बना दिया, हनुमान जी को क्या बना दिया, रावण का क्या, मतलब यार सिस्टम ना मतलब ख़त्म होता जा रहा है, मतलब जो भी हमारे धर्म की जो एक सुंदरता थी ना उसको हम लोग खुद ही ख़त्म करते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्या मेरा कहना गलत है सही है, अगर मैं सही हूँ तो सही बताएं, गलत हूँ तो गलत बताएं, ताकि मैं आगे से ऐसी वीडियो ना बनाऊं। तो अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके बारे में बताना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई देखो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को जो पसंद होगा मैं वैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी है, बहुत से धर्मगुरुओं की वीडियो देखी है, वो भी उन्हीं का कहना ये है कि यार हमें होता क्या जा रहा है आखिर हमारे, एक तो हम सनातन धर्म को प्रमोट भी कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हिंदू हिंदू, और अभी जब राम मंदिर निर्माण हुआ था, राम जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो सब लोगों के घर में झंडे लगे हुए थे, मतलब हिंदुत्व को हम इतना महत्व दे रहे हैं और फिर अपने धर्म को पीछे ले जा रहे हैं ये सब कार्य करके, तो मेरे हिसाब से तो गलत है भाई, कुछ गलत कह दिया तो क्षमा करना, और अगर सही है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको ये सब चीज़ें सही लगती है तो अच्छी बात है भाई, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे। देखो समाज को बदलना हम सबके हाथ में, मेरे अकेले के हाथ में नहीं, मेरे अकेले के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को सपोर्ट करने से बहुत कुछ बदलेगा। और आप कमेंट कीजिए, कोई कमेंट को वीडियो चाहे लोग कम देखते हो, कमेंट को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट पढ़ने आते हैं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा,
कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, नो प्रॉब्लम, ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कितने को नहीं लग रही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और टॉपिक पे बात करेंगे, आते रहते कोई ना कोई टॉपिक, मगर मैं इन चीज़ों की बात आगे से अपने अपने ब्लॉग में जरूर करूँगा, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आप जरूर मुझे बताएं कमेंट करके। तो मिलेंगे कल अच्छी वीडियो के, तो मिलेंगे कल, कौन से कल ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, तो मिलेंगे जरूर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे।